समय छोड़ो हमसे तमाम लोगों का असला महीना देर को दाएं आओ थे समस्या ये है कि हमारे उन्नाव में इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे केमिकल की इंडस्ट्री और चमड़े की इंडस्ट्रियां तमाम पे नहीं, उसका जितना कचरा और गंदा पानी केमिकल युक्त पानी आके हमारे यहाँ डंप हो रहा, हमारी गांव सभा में यहाँ डंप हो रहा, जिससे हजारों बीघे की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद है। दूसरी चीज ये है कि जो वाटर लेवल है कुओं का और हैंडपाइपों का वो पूरी तरह से फ्लोराइड और क्या नाम केमिकल युक्त हो गया। हर हैंडपाइप हर कुआं पीला पानी दे रहा है, जिसको पीने से हमारे यहाँ के जानवर आदमी बच्चे औरतें सब विकलांग हो रहे हैं। इसका इतना इफेक्ट है कि ना कोई ट्रीटमेंट है उसका, ना कोई फायदा हो रहा है। लोग मद्रास जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। जिधर से आप निकलो उधर ही आपको स्लॉटर हाउस मिलेंगे और इसके कारण पूरा जो है वातावरण प्रदूषित हो रहा है और जो पानी नीचे डिस्पोज किया जाता है वही लोग नलों के द्वारा पीने को मजबूर होते हैं, उसके कारण तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे उल्टी दस्त बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, डिसेंट्री है और जो इसमें जहरीले तत्व मिले होते हैं वो सब जो है शरीर के लिए कैंसर का कारण बनते हैं, वही दिमाग में जाते हैं जिससे पैरालिसिस हो जाती है, एक वो इसके कारण एक सिस्ट होता है, आइडेंटिटी सिस्ट कहते हैं, अगर दिमाग में चला जाता है तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र साइट वन साइट टू अकरमपुर मगरवारा और ये बंथर में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं अगर भूगर्भ जल प्रदूषित होता तो उनके यहाँ खुद भी नलकूप के माध्यम से सबमर्सिबल माध्यम से जो है पीने के लिए पानी प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रक्रिया से जो भी दूषित पानी जनित होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए सभी उद्योगों में जल प्रदूषण संयंत्र लगे हुए हैं ताकि शुद्धिकृत प्रवाह ही जो है वहाँ से निस्तारित हो। फिर भी अगर कोई संज्ञान आपके द्वारा लाया जाता है कि किसी गांव विशेष में ये समस्या है कि वहाँ के हैंडपम्प से पानी खराब आ रहा है तो हम लोग संज्ञान में मैटर आने पे जो है उसका सैंपल लेके जांच करवाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।